भाभी जी घर पर हैं। तुम्हें सारे हम इतने फालतू खोर दिख रहे का? जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे। अबे टीका, एक आइडिया है। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी इंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो और चार रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखी ने रिपोर्ट किसने रोक रखा है? आपका हाथ लिखिए। खोने वाले की पहचान कछु? पीठ के बाईं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तुम कहो बेबी? हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे। वो क्या है ना हप्पू सिंह जी, मैं इस गेस्ट हाउस को खरीदना चाहता हूँ। आप चिंता ना करो, आप तो बस आदेश करो हमें का कन्या ससुर। कहो को बोल दे साहब। गुमनाम है अनु, ये क्या नाटक है यार? तुम किस अनु और अंगूरी की बात कर रहे हो? हम तो आत्मा है। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई सरे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। बोतल में पानी डालना का गलत बात होता है? बिल्कुल, बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते है क्या? ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर्फ बेसिर पैर की हरकत है। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे छोड़ो, कोई है? नहीं छोड़ेंगे। रोकना भैया। बचाओ कोई। ओ, दो टके के गुंडे। तेरी हिम्मत कैसे हुई सरे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? मैडम जी, हमारे बीच में ना आओ, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो इस लड़की के साथ साथ हम तुम्हें भी छेड़ देंगे। अच्छा, तो मुझे छेड़ोगे? चलो चलो छेड़ के दिखाओ, कम ऑन। मैडम जी जाओ यहाँ से, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। कौन हो तुम? सीएम के भतीजे हो, भांजे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। नो, व्हाट हैपेंड? क्या क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्यों झगड़ा कर रही सारे बाजार में? दीपू, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें मालूम है ये दोनों गुंडे इस लड़की को सरेआम छेड़ हैं, और यहाँ पर खड़े हुए जितने भी लोग हैं किसी की भी हिम्मत नहीं कि इसे आके बचा ले। इनको ऐसा सबक सिखाओ, ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोनों अपनी गुंडागर्दी भूल जाए। Just calm down. Just calm down. नमस्ते चीटर जी, ये लीजिए आपका चाय। भाभी माँ, ये चीटर नहीं टीचर है। सही पकड़े हैं। और ये लो लड्डू, तुम्हारा दूध पी लो। हाँ थैंक यू भाभी माँ। हाँ और देखो लड्डू, हम जरा बाजार जा रहे हैं कुछ सब्जी वब्जी लाने, अच्छे से पढ़ाई करना, और मास्टर जी आपको बाजार से आके कुछ नाश्ता खिलाएंगे, इसलिए रुकिएगा। जी भाभी जी। भाई भाई। बाय भाभी माँ। बेटा लड्डू, तुम्हें इस सवाल को हल करने से पहले इस सवाल को हल करना होगा, तब जाके तुम्हारी समझ में आएगा कि ये सवाल क्या है, फिर तुम इसे आसानी से हल कर सकोगे, है कि नहीं? तो अरे ये तो कोई बात नहीं गुप्ता जी। अरे जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम नुकसान में चल रहे हैं, फिर भी आप हमारी पेमेंट काहे रोके हुए भाई? हाँ अग्रवाल साहब बोलिए। अरे जनाब, हम आपको कितने फोन लगाए लेकिन आपका फोन ही नहीं लगता था। है एक कमोड में गिर गया था। अच्छा, तभी हम कहे कि हम जितनी बार भी आपको फोन लगाते थे पहले अजीबोगरीब आवाजें आती थी और फिर फ्लश चलने की आवाज आती थी। जी है जी। क्या क्या आप हमारा बकाया 2.5 लाख का पेमेंट देना चाहते हैं और नया ऑर्डर भी देना चाहते हैं 2.5 लाख का?
अरे थैंक यू, अरे थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने तो यार हमारी सुबह बना दी जी। हम अभी टिल्लू को भेजते पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू अग्रवाल साहब। अरे तेरा ये तो पंडित जी का फार्मूला काम कर गया। का तिवारी भैया, आज तो बड़े उछल रहे हो, का है वो? अरे पंडित जी क्या बात है, आज आपको मैं चूमने का दिल कर रहा है कसम से। यार क्या कर रही हो तुम, तुम जैसा समझ रहे हो हम वैसे आदमी ना हैं। अरे हम भी नहीं है, लेकिन बहुत खुशी की बात है पंडित जी, आपने जो फार्मूला बताया था ना वो काम कर गया। मतलब भैया तुमने कल रात को भाभी जी के साथ बदतमीजी कर दी। हाँ बदतमीजी की, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो बकाया पेमेंट था ना 2.5 लाख का, वो मिल रहा है, पार्टी पेमेंट लेके खड़ी है। क्या बात है भैया, ये तो बहुत अच्छी खबर है पंडित जी। बस 12,000 का नहीं, 12 लाख का जो बकाया पेमेंट है ना, अगर वो भी मिल जाए ना तो कसम से मजा आ जाए पंडित जी। दिल ढूंढता है फिर वही पागलपन के रात दिन, आंधे पड़े रहे हम शौक लिए हुए। आहा सुनो भैया, काय रोए सक्सेना जी, जे का पी रहे हमें पिला दो। पियो बेटा। अंगूरी ने हमें पीटा, प्यार से पीट दिया। अभी हम आपको दिखाते हो निशान, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा। भाभी जी ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अरे दादा जनरेटर है गो का। चाची अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा भना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? For your kind information, अभिषेक, तुम्हारा वाना खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया कि वो किसी से कुछ ना कहे, तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। देवर जी ने कहा था ना कि उनकी सोच आज के जमाने की है, अर्थारी पुराने जमाने की परंपरा वाली। मैं तो कह रही हूँ यो ही मुद्दा था बस। सोम भैया आप ना इसको कंप्यूटर पे टाइप वाइप करवा के इसकी 50 कॉपी बनवा लेना, चुनाव के वक्त हम बांट देंगे सब में। मैंने सोचा कि बाबूजी जो भी मुद्दे पे बात करेंगे ना वो हम यो प्रिंट करवा के सब में बांट देंगे। तन्ने कैसे पता कि बाबूजी इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे? अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला का है, कहाँ चल रहा है ये सब? रागिनी तुम का कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा सुमन, यू नो व्हाट, हनीमून की डेट फिक्स हो गई। रणवीर क्या हम अपना हनीमून थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या? हाँ, वीर का एग्जाम है, वो भी अगले हफ्ते, जब हमें हनीमून के लिए निकलना है। हम लोग हनीमून पे जाएंगे, एंड दैट इज फाइन। भाभी आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना कि अगर आपका हनीमून कैंसिल हुआ तो हमारा भी हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बताओ सुमन, पूरे घर वालों को कि तुम हनीमून पे क्यों नहीं जाना चाहती? देवा,
सुबह से ही रोहिणी दीदी को काकी मैया कह के पुकार रहा। सच कहूं तो रोहिणी दीदी के भाग से जलन हो रही है आज मुझे। माँ के नाम पर छल करने वाली पूतना ने क्या ममता मई माता यशोदा से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है? देवी पूतना पिछले 5 वर्षों से प्रति पर केवल और केवल काना के बारे में ही सोच रही है। भगवान के लिए उससे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है? बातें बहुत हो गई काना, अब चल सोने का समय हो गया। मैं तो अपनी काकी मैया के साथ सोऊंगा ना। आज कान्हा अपनी काकी मैया के साथ ही सोएगा। आज की रात तेरे जीवन की अंतिम रात होगी कान्हा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सहारा सिर्फ पैसा की का नहीं होता, कभी कभी इंसान इसलिए भी लड़खड़ा जाता है जब उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। खबरदार किसी ने रात को कुछ कहा तुम? मेरा भाई मनु बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो और राज बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कभी भी अपने दोस्त को परेशानी में नहीं छोड़ता। दीदी को सब याद आ